माइनक्राफ्ट की दुनिया में अलग अलग जगहों से मरते जूनी बाबा की दी हुई शक्तियों से आज हम इतने ताकतवर हो चुके हैं कि किसी भी वायरस का मुकाबला करने के लिए तैयार हैं। लेकिन इस जगह हमसे पहले कोई ऐसा पहुंच चुका है जो हमसे भी ज़्यादा ताकतवर और खूंखार है। इस एंटिटी को हम हीरोब्राइन के नाम से जानते हैं और ये एंटिटी भी हमारे इस वर्ल्ड में एग्जिस्ट करती है, जिसका पता मुझे धोनी बाबा ने अपने टोटल जादू की बदौलत पहले ही बता रखा है और हमें साथ ही साथ खबरदार भी किया था कि हीरोब्राइन हर वक्त हमारे आसपास, हमारे आगे पीछे, हमारे ऊपर नीचे मौजूद होगा। और इसी के साथ साथ हीरोब्राइन का ठोकू स्लेंडरमैन भी इन्हीं काले जंगलों में कहीं ना कहीं मौजूद है। हमारा मिशन इन दोनों एंटिटीज़ को 100 दिन से पहले ख़त्म करना और माइनक्राफ्ट की ह्यूमैनिटी को एक नई ज़िंदगी देना है। तो बॉयज, हम एक बार फिर से अपने वर्ल्ड में आ चुके हैं। हमने इस वर्ल्ड को ज़ॉम्बी अपोकलिप्स से बचाना है किसी भी सूरत में। हर बार मरे हैं, हर बार हमने छोटे खाई हैं, लेकिन इस बार हम इसको बड़े अच्छे तरीके से लेके चलेंगे और उम्मीद है कि इसको कंप्लीट भी करेंगे। इस बार हमें स्पॉन पे मिली है एक यही बुक जिसमें सारी एनिमल्स की डिटेल है, और इसी के साथ हमें जो दूसरी बुक मिली है वो है स्लेंडरमैन की बुक। जैसा कि मैंने अपने इंट्रो में ही बता दिया कि इस वर्ल्ड में स्लेंडरमैन भी एग्जिस्ट करता है, तो हमें इससे भी बच के रहना होगा। इस वीडियो का हमारा मकसद हीरोब्राइन और स्लेंडरमैन को ख़त्म करके यहाँ की ह्यूमैनिटी को एक ज़िंदगी देना है। तो सबसे पहले हम अपना काम करते हैं कि टूल्स बना लेते हैं। टूल्स बहुत ज़रूरी हैं। वुड हमने इकट्ठी कर लिया है। हम सबसे पहले बनाएंगे क्राफ्टिंग टेबल अपने लिए, और इस बार हम कोई भी सामान एक्स्ट्रा नहीं बनाएंगे और कोई भी सामान हम ज़ाया नहीं करेंगे। इस बार हमने गलतियाँ कम से कम करनी हैं ताकि हम कहीं ना कहीं जाके तो सक्सेसफुल हो सके ज़ॉम्बी एपोकलिप्स को रोकने में। अभी तक वैसे मैं हुआ नहीं सक्सेसफुल। यहाँ पे एक ही शीप है, कम से कम 3 शीप होती तो मेरा बेड बन जाना था। ऑब्वियसली रात को मैं ऐसे खुले सरेआम इस ज़ॉम्बी वर्ल्ड में नहीं घूमूंगा। हर बार हम ऐसे ही मरे हैं, तो इस बार हमने मरना बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पे एक रकून है। हेलो रकून भैया, कैसे हैं आप? अरे कौन भौंक रहा है ये बदतमीज? इधर देखो। हेलो मदरफकर। मुझे बता, अगर मैंने इस पे अटैक किया तो ये वापस मुझ पे भी अटैक करेगा, तो रकून से पंगा लेना इज नॉट गुड फॉर आवर जर्नी। हम चलते हैं, स्टोन ढूंढते हैं। ये बड़ी बड़ी घास मुझे बहुत क्रीपी लगती है क्योंकि इसमें जॉम्बिस भी छुपे होते हैं, और जॉम्बिस के अलावा इसमें सांप छुपे होते हैं। एनाकोंडा इस गेम मोड में एग्जिस्ट करते हैं, तो एनाकोंडा से एक दो बार मेरा हुआ है। खैर, इधर स्टोन भी है, आयरन भी। ऑलराइट, 2 क्रीपर, पता नहीं क्या क्या होगा। खैर, इधर आई थिंक सो वी आर सेफ, लेकिन नहीं, हम सेफ नहीं हैं। क्रीपर तो हमारे पीछे ही हैं। क्रीपर इधर ही फट जाए यार पानी में भाई। गुड, चलो दूसरे क्रीपर से तो हम वैसे ही सेफ हैं। हम जल्दी से अपने लिए स्टोन के टूल्स बनाएं। स्टोन इधर काफ़ी है। उसके लिए हमें पहले लकड़ी की पिकैक्स चाहिए। रात होने से पहले पहले हमने यहाँ पर सारा काम अपना करके तो इधर से छुट्टी लेनी है, नहीं तो हम पकड़े जाएंगे। लेट्स गो बॉयज, हमने अपने लिए एक आयरन का एक्स और एक आयरन की पिकैक्स बना ली है। सो अब हमें ऊपर जाना है। मैं सोच रहा हूँ कि इधर से ही ब्लॉक लगा के ऊपर चल जाता हूँ क्योंकि और तो कोई रास्ता नहीं है, और वैसे भी रात होने वाली है, हमें खाना भी चाहिए और हमें बेड भी चाहिए। हम स्लो हो गए हैं भाई, स्लो, खाना नहीं खाया, हम स्लो हो गए इस डर्ट वैली में। यार ये काम गंदा हो गया है, हम बहुत स्लो हो गए हैं और वैसे भी रात हो गई है, तो जो भी ज़ॉम्बीज आएंगे वो हमें इजीली पेल पाल के निकल जाएंगे। हमें जल्द से जल्द अपने लिए खाना और एक सेफ प्लेस ढूंढनी पड़ेगी। किसी एक भी ज़ॉम्बी का एरो आके लगा तो मैं मर जाऊंगा। कौवा खा सकते हैं? कौवा बिरयानी। ओके, फर्स्ट मॉब इनकाउंटर स्पाइडर। ओह माय गॉड, नो ब्रो, नो ब्रो, नो वे। ओ एलिगेटर था, फिर रहे हैं इधर। इस तरह की सिचुएशन में एलिगेटर से पंगा लेना इज नॉट गुड। तो हम एक काम करते हैं, हम एक दिन इसी जगह पे गुजारेंगे।
रात इसे एक छोटे से पत्थर के बने बंकर से हमें गुजारनी पड़ रही है, और इवन तो मेरी हेल्थ भी नीचे गिरती जा रही है और बाहर भी ज़ॉम्बीज फिर रहे हैं, तो आई जस्ट वॉन्ट टू रिमूव दिस ब्लॉक एंड लेट मी किल के अगर मुझे कोई मैं अपने रांडे रोने शुरू करता हूँ। हाउ इट्स इम्पॉसिबल, ये कैसे हुआ, ये कैसे हुआ, मुझे वापस से जाना। ओ जहां पे मैं स्पॉन हुआ था मेरे पास ही एक घर था यार, मैं उस घर में पनाह ले सकता था। खैर मेरी ग्रेव एक बन गई है, तो उस ग्रेव की चाबी मेरे पास है। अभी हम घोस्ट मोड में हैं, जिन बन गए हैं, भूत बन गए हैं, तो ये दुनी बाबा की शक्तियां हैं कि हम अभी इस वर्ल्ड से गायब नहीं होंगे, तो हमें जल्दी से इस घर में जाना चाहिए। अभी मैं जाके अपना सामान वगैरह भी वापस ले सकता हूँ, लेकिन ये इस टाइम वापस जाना थोड़ा सा डेंजरस है, वो हमारी मैयत है। तो खैर फाइनली बॉयज हम अपनी ग्रेव पे पहुंच चुके हैं, तो ये हमारी ग्रेव है। ये इधर कोई खतरनाक सा ज़ॉम्बी है जिसकी बार बार आवाजें मुझे आ रही हैं। द टॉम डिस्पेयर्स, ओ माय गॉड, एयर वी गो, यार अभी तो मैं मर गया हूं ना, चल जा भाई मेरे। अरे ये ब्लिंक कर रहा है, इसकी आईज ब्लिंक कर रही है, नहीं मैं मुझे इसकी तरफ देखना भी नहीं है। कौवे दफा हो यहां से, इसे पंगा ले, मां मारेगा यार, वो हीरो ब्राइन है। आ जा बच्चे, तेरा मैं इलाज कर। नो, वो बस गायब हो गया फिलहाल। there is an alligator over there. पानी भी आ रहा है, मारेगा वो। पानी में तो alligator वैसे ही तेज होते हैं। नहीं दफा हो जाए alligator। चक्कर आए। alligator का थोपड़ा ठुक रहा है, alligator को चक्कर आए। भाग गया। डर गई। भागो। कोई जेन नहीं है मेरा फटा लेने का किसी जानवर से अभी। what is this? Oh, skunk. हेलो स्कंकी। मर गई एक ही शॉट में। अरे ये एक छोटी सी केव है, इस केव में घुस के देखते हैं अगर हमें आयरन मिल जाए। अभी जो करंटली हमारे पास आयरन है वो 6 है और हमें ज़्यादा आयरन चाहिए आयरन आर्मर कंप्लीट करने के लिए, तो देखते हैं कहीं आसपास आयरन मिल जाए। और वैसे भी हमारे पास अब बेड है, तो जैसे ही रात होगी हम सो जाएंगे। वट इज़ दिस, हीरो ब्राइन है नीचे, वो सामने खड़ा है। हेलो हीरो ब्राइन माय बडी, आई एम नॉट कमिंग ओवर देयर, मैं वहां नहीं आऊंगा। क्रीपर हट जा इधर ही भाई मेरे। हीरो ब्राइन अभी भी खड़ा है यार, वो इधर मेरी तरफ ही घूरियां करा रहा है। लेकिन खैर हम हीरो ब्राइन को दफा करके तो अपना आयरन ढूंढते हैं। अभी भी खड़ा होगा, ढीट है पूरा, अभी भी खड़ा है यार, मतलब तू जा ही नहीं रहा। ओए नीचे मेरे हीरो ब्राइन मेरे नीचे बैठ गई तेरी, हीरो ब्राइन। नो ब्रो, वेर आर यू हीरो ब्राइन, नो माय बडी। मेरा हेलो, एक चंबा करवा के चला गया। क्रीपी, मेरा ख्याल मुझे इस केव से निकलना चाहिए, नहीं तो हीरो ब्राइन मुझे मार देगा। उफ क्रीपी, मेरा ख्याल वो चला गया। और ये जो गंदी सी आवाज आती है ये हीरो ब्राइन की ही है। एंड इसके अलावा कुछ आयरन ये भी लगा है और कुछ आयरन ये भी लगा है। क्राफ्टिंग टेबल मेरा उस तरफ है। खैर ये क्या है, ओए कुत्ता, अलग किस्म का कुत्ता। और इधर तो काफी कुत्ते हैं, वो क्रीपर भी है। क्रीपर को छोड़ो, अभी हम चलते हैं गांव में ताकि हम सेफ फील करें। अभी मैं सेफ फील नहीं कर रहा। थंडर, अब ये थंडर है।
इसको भी ढोलकपुर पहुंचा दें ताकि हमें खाना मिल जाए। सबसे पहले तो हम ना अपना आयरन स्मेल्ट करते हैं, वो हम इधर ही अपने कोऑर्डिनेट के पास रखे कर लेते हैं ताकि हमें जगह भी याद रहे। कहाँ है अपना फर्नेस? फर्नेस इधर लगाया, इसमें इधर था वो कहीं, कहाँ गया? मैंने उसे देखा, हीरो ब्राइन था इधर। हीरो ब्राइन कहाँ गया? अभी इधर हीरो ब्राइन था, मैंने उसको देखा है, उसकी आवाज भी आई है, इतनी डरावनी थी मुझे। आवाज आ रही है कहीं से, लेकिन खैर इधर हाथी शाथी हैं तो हीरो ब्राइन से क्या डरना है, हाथी हमारी हेल्प कर देंगे। हीरो ब्राइन को पेल पाल देंगे हाथी। फिर से आ गया कहीं। गंदे तू जा क्यों नहीं रहा, मेरी जान छोड़ भाई। मुझे मेरा ख्याल है इससे दो दो हाथ करने ही पड़ेंगे। आ तू इधर, तेरी ऐसी की तैसी भाग गया। अच्छा अपनी बार ये भाग जाता है, जब मैं लड़ने के मूड में आता हूँ तो ये दौड़ लगा देता है। नहीं, नाइन से बनेगी ऐसे एंड ऐसे। हियर वी गो, चेस्ट प्लेट, और इसी के साथ हमारा आयरन आर्मर कंप्लीट। फाइनली हमें एक अच्छी अचीवमेंट तो मिली, हमने अपना आयरन आर्मर कंप्लीट कर लिया। हमारे पास कुछ आयरन के टूल्स भी हैं, एक सॉर्ड हम मजीद बना लेते हैं। तो खैर अभी हम नेक्स्ट अपने कुछ दिन इसी विलेज में गुजारेंगे। इस विलेज से निकलने का हमारा कोई ज़हन नहीं है। इसके कोऑर्डिनेट्स हमारे पास मौजूद हैं, जिसका नाम है मैड क्लॉड लाइक व्हाटएवर। तो मेरा ख्याल है आज के एपिसोड के अबे हीरो ब्राइन के चौदह चल जाए यहाँ से। हेलो हीरो ब्राइन गायब हो गया वो यार। ये हीरो ब्राइन बहुत फटू किस्म का हीरो ब्राइन है। खैर मैं कह रहा था आज के लिए एपिसोड के लिए इतना ही काफ़ी। अब नेक्स्ट एपिसोड में हम ये करेंगे कि हम अपना डायमंड का आर्मर बनाएं। यार ये हीरो ब्राइन जा ही नहीं रहा, हर दो मिनट बाद खींचू खींचू करके वापस आ रहा है, आउटरो भी नहीं करने दे रहा। खैर तो मैं बता रहा था अब नेक्स्ट एपिसोड में हम इस हीरो ब्राइन का ठिकाना ढूंढेंगे, और ठिकाना ढूंढने के बाद उम्मीद है हम इसे फाइट लेंगे। इसी के साथ मुझे दीजिएगा इजाज़त, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट एपिसोड में। जब तक के लिए अपना ख्याल रखें, बाय बाय।